दोस्तों, शास्त्रों का ऐसा मत है कि आत्मा का कोई भी जेंडर नहीं होता। जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो या फिर स्त्री को पुरुष का शरीर मिल गया हो। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। आइए जानते हैं उन दो कारणों के बारे में। पहला कारण, दोस्तों, जो व्यक्ति अपना जैसा स्वभाव बना लेता है उसे उसी के अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशुओं के जैसा बना लिया है। जो काम पशु करता है वही काम हम कर रहे हैं, जो पशु खा रहा है वही हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का होगा। इसी तरह से अगर हमने अपना स्वभाव स्त्री के जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना लिया है, हमारा मन हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में होगा। दूसरा कारण, दोस्तों, मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण त्याग देते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर हम प्राण त्याग देते हैं अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं, चाहे वो शरीर किसी का भी हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।